हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी छत्तीसगढ़ में मैं अमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके पहले की जो वीडियो जो कि छत्तीसगढ़ का विश्व एवं एशिया में प्रथम स्थान से संबंधित है, आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों से ही है और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों पर, जो कि इस श्रृंखला का पहला वीडियो होगा। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और इसमें पहला है, सबसे पहला कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र जो कि छत्तीसगढ़ मित्र था, और इस छत्तीसगढ़ मित्र जो है पत्रिका, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका है, और माधवराव सप्रे, और साथ ही एक नाम जो कि 2017 एग्जाम में पीएससी द्वारा पूछा गया था, पंडित राम राव चिचोलकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। पंडित राम राव चिचोलकर, जो कि एक नया सब आप सभी के लिए एक नया नाम होगा, और यह पीएससी 2017 में किसी एग्ज़ाम में आया हुआ नाम है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, वो है महाकौशल, और जो महाकौशल है वो स्टार्ट हुआ था 1937 में एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में, और 1951 में यह दैनिक समाचार पत्र के रूप में स्टार्ट हुआ है अपने छत्तीसगढ़ में, और इसके जो संपादक थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल सत्याग्रह। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम सफल सत्याग्रह था वो कंडेल नहर सत्याग्रह है, जो कि धमतरी में 1920 में हुआ था, और इसका जो कारण था वो सिंचाई टैक्स के विरुद्ध था, और इसके जो नेता थे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। और इसी समय ही छत्तीसगढ़ में जो गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था इस सिंचाई टैक्स के विरुद्ध। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ सिहावा, सिहावा नगरी, जो कि धमतरी में स्थित है, और यह 1922 में हुआ था, और इसका जो तात्कालिक जो कारण था वन नीति के तहत वनों को आरक्षित घोषित करना ही इस सत्याग्रह का प्रमुख कारण था। और इसमें भी जो नेता थे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव जी थे। दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जो कि राजनांदगांव में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी 1894 में सीपी मिल्स के नाम पर यह स्थापित हुआ था, और 1897 में इसका नाम बीएनसी मिल रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल उद्योग। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल, जिसका नाम है मोहन जूट मिल, इसकी स्थापना 1935 में रायगढ़ में की गई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना जो कि जामुल दुर्ग में स्थित है, जिसका नाम है एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, और इसकी स्थापना 1965 में की गई है। और दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व सबसे पुराना कारखाना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम लौह अयस्क खान, छत्तीसगढ़ का प्रथम लौह अयस्क खान किरंदुल है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, और यह बैलाडीला, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रथम सोने की खदान, तो यह है बघमारा नाम से है स्थित है, और यह बलौदाबाजार जिले में है। छत्तीसगढ़ में प्रथम शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ का प्रथम जो शक्कर कारखाना है वह भोरमदेव शक्कर कारखाना है, और इसकी स्थापना कवर्धा जिले में की गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह हमारा पहला पार्ट है, और ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ऐसा करके लगभग दो से तीन पार्ट आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। और ये जो पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ में प्रथम, तो इससे हर बार हमेशा सीजी व्यापम या सीजीपीएससी बार बार एग्जाम एग्जाम में प्रश्न पूछता है, और आप इस
वीडियो को अच्छे से देखिए, याद कीजिए, क्योंकि हर बार इसी में से ही आपको प्रश्न मिलेंगे एग्ज़ाम में। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने चैनल स्टडी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को हिट जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।